नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों आज ये जो मॉडल आप देख रहे होंगे, आज इस वीडियो में हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का हमारा सिंपल सा एक छोटा सा बहुत ही कम लागत वाला 3 से 4 लाख रुपए के अंदर आप किस तरीके से एक छोटा सा सिंपल सा घर बना पाएंगे, तो उसी के लिए हमने इस प्लान को बनाया हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक बेडरूम दिया हुआ है, रूम वगैरह हमने कुछ सेपरेट अलग साइज पर बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि आपका बजट को भी ध्यान में रखना है। इसी कारण हमने सिंपल पर इस घर का लुक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफी लो बजट वाला ये हाउस प्लान आज इस वीडियो में हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं प्रीमियर होम प्लान, आपको ऐसे ही बहुत सारे घर के प्लान रिलेटेड वीडियो हर रोज देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपका साथ जरूर देना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों चले चलते इसके अंदर की ओर। सबसे पहले ये घर हमने जो बनाया हुआ है वो 18 फीट बाई 30 फीट के अंदर बनाया हुआ है, 18 फीट बाई 30 फीट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर आपको एंट्री डोर देखने को मिलेगा और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो देखने को मिलेगा। आप इसी वाला एंट्री डोर से मेन एंट्री डोर से एंट्री करके अंदर की ओर जाते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आप छोटा सा यहाँ पर एक रूम पर पहुँचेंगे। ये जो आप रूम देख रहे होंगे, ये रूम का साइज जो हमने लिया हुआ है दोस्तों, वही हमने लिया हुआ है यहाँ पर 10 बाई 10 फीट का ये रूम आएगा। उसके बाद यहाँ से हमने एक अच कटिंग पर डोर फ्रेम दिया हुआ है, यहाँ से जाएंगे तो ये 8 फीट बाई 10 फीट के अंदर एक छोटा सा रूम हमने डिजाइन किया हुआ है। और उसके बाद आपको ये जो हमने एक छोटा सा रूम यहाँ पर दिया हुआ है, रूम वगैरह जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बाहर इस कॉर्नर पर भी किचन क्लास स्लैब लगाकर इस जो फ्रंट साइड की ओर छोटा सा रूम था, इसको एक छोटा सा बेडरूम की तरह भी यूज कर पाएंगे, अपने हिसाब से रहेगा। उसके बाद आपको ये जो हॉल रूम था यहाँ पर छोटा सा, इसे हॉल रूम से यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा। इससे एंट्री करके जाएंगे तो आप ये गैलरी पर पहुँचेंगे। ये गैलरी 6 फीट चौड़ाई पर आएगा आपके सामने यहाँ पर गैलरी। और स्टेयर केस जो है जीना हमने काफ़ी चौड़ाई पर, यानी ऐसे में 9 फीट के चौड़ाई पर, 4.5 फीट चौड़ाई पर जीना को हमने चढ़ाया हुआ है यहाँ पर। और इस जगह पर जीने के नीचे आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक डोर भी दिया हुआ है नीचे, जीने के नीचे स्टेयर केस के नीचे आप देख रहे होंगे। आप यहाँ से अपना टॉयलेट रूम वगैरह आपको इस जीने के नीचे आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि आपको स्टेयर केस के लिए हमने स्पेस जो लिया हुआ है काफ़ी बड़ा सा स्पेस लिया हुआ है, इसी कारण हमने स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट बाथरूम वगैरह हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आप चाहे तो ये जो रूम है इतना लंबा सा रूम आपको नहीं चाहिए तो आप इसको पार्टीशन करके भी इस रूम के साथ एक अटैच में वॉशरूम कर पाएंगे, अपने हिसाब से कर पाएंगे, बैक पर जो रूम दिखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर और एक डोर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे तो ये 18 फीट बाई 11 फीट के अंदर आएगा, काफ़ी बड़ा सा एक रूम, आप अपने हिसाब से इस रूम को भी एडजस्ट कर पाएंगे। और इसके टॉप व्यू की अगर बात करें दोस्तों, तो टॉप व्यू में कुछ इस तरीके से स्टेयर केस से आने के बाद आपको यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा। ये वाला डोर से आप एग्जिट होकर ऊपर टॉप पर आ पाएंगे और टॉप पर हमने सिंपल पर इसका लुक रखा हुआ है। तो यही था आज का हमारा सिंपल सा प्लान, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।